अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। शांति हमारा स्वभाव है, शांति के प्रयास ही अशांति पैदा करते हैं। कृपया कुछ कहें। ये बात समझने जैसी है, बहुत सुंदर बात है। शांति हमारा स्वभाव है, हम अगर सहज हों, बिना किसी द्वंद और संघर्ष के हों, तो शांति को हमें खोजना नहीं पड़ता, वो है हमारे भीतर। लेकिन शांति लाने के जो प्रयास हैं, वो अशांति पैदा कर देते हैं। जैसे एक नदी बह रही हो, तो उस नदी के जल को निर्मल करने का सबसे ठीक तरीका क्या होगा? उसके तट पर एक गहरी प्रतीक्षा की भाव दशा में बैठकर बस नदी के प्रवाह को देखना, तटस्थ दृष्टा होना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होना। बस नदी बहती जाएगी, उसका जल निर्मल होता जाएगा, हमें कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, वो निर्मलता उसके प्रवाह में शामिल है, वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही शांति हमारा स्वभाव है। अगर नदी के भीतर उतरकर हम उसके पानी को हिला हिला कर उसको निर्मल करने की कोशिश करें, तो उस पानी को हम और गंदा कर देंगे, उसको हम और मटमैला कर देंगे, तो इससे वो उचित नहीं होता। और अगर अपने जीवन के व्यवहारिक जो सारे फैलाव हैं, उसमें भी हम देखें शांति के प्रयास वो अशांति कैसे लाते हैं, तो उसके सबसे अच्छे उदाहरण हमारे संगठित धर्म ही हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैं, वो उसके ठीक उदाहरण हैं। बात शांति की ही करनी है, लेकिन वो शांति अगर नहीं समझी तो अशांति फिर फैलेगी, हिंसा होगी, उपद्रव होगा, टकराव होगा। तो बाहर के जगत में जो व्यवहारिक जगत है, वहां भी शांति के प्रयासों के कारण ही अशांति ज्यादातर आती है, अन्यथा तो लोग शांत हैं, उनको बहुत सारी चीजों से लेना देना नहीं है। लेकिन कोई आकर एक कंसेप्ट देता है, एक अवधारणा देता है कि ऐसे चलने से ही शांति आएगी, यही शांति का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, मार्ग है। अब जो उस पर नहीं चलेंगे, उनको लाना पड़ेगा, उनको लाने के लिए हमको सारा उपद्रव करना पड़ेगा। अगर हम प्रतीक्षा करें अपने सामान्य जीवन में भी और व्यर्थ के संघर्षों को विदा कर दें, तो शांति सहज घट जाती है। इसीलिए शांति में डूबना अनिवार्य है, शांति के प्रयास करना अनिवार्य नहीं है। अगर एक एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर शांति के आयाम में चला जाता है, तो वही शांति हर ओर फैल जाती है, उसको अलग से लाना नहीं पड़ता। लेकिन स्वयं शांत हुआ नहीं है और शांति का प्रयास प्रारंभ कर देगा, तो शांति के नाम पर निश्चित ही वो कोई ना कोई अशांति पैदा कर देगा, ये तय है। इसलिए जैसे हम ये देखते हैं कि नदी बहती है, उसको बहने दो, ऐसे ही जीवन बहता है, उसको बहने दो, अपने ढंग से उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। और जैसा कि जब शांति के सातों द्वारों पर हम बात कर रहे थे, तो बार बार इस बात को हमने दोहराया कि जैसे एक एक व्यक्ति की फिंगरप्रिंट, उसकी आंख की पुतली, आयरिस सब भिन्न है, बिल्कुल एक अलग ही उनका पहचान का ढंग होता है, ऐसे ही हर व्यक्ति की शांति का उसके भीतर जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, वो अलग अलग होता है।
तो अगर कोई अपनी जैसी ही शांति को किसी के ऊपर आरोपित करने की कोशिश करेगा तो वो दूसरे व्यक्ति को अशांत कर सकता है। प्रेम के नाम पर भी इतने युद्ध क्यों होते हैं? अभी हम अगले सेशन से प्रेम के आयाम में आएंगे, क्योंकि प्रेम की सबकी अपनी अवधारणा है और वो हमारे कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होता है तो फिर युद्ध। यही शांति का है। तो स्वयं शांत होइए और शांति की जो तरंग है, उसकी जो सुवास है, उसकी जो एक यूनिक एक्सप्रेशन की स्थिति है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होके, उसके साथ लयबद्ध होके आगे चलें। बस इतना ही हम कर सकते हैं।